हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक न्यू लुक क्रिएट कर रही हूँ। ये मैंने स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये लुक मुझे उनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। बट मैं इतने अच्छे से लुक क्रिएट नहीं कर पाई, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। स्वाति मैम बहुत ही अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करती हैं, तो मैंने भी ट्राई किया था कि क्या मैं उनके जैसा मेकअप कर पाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किया है, और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया था, फेस क्लीन है एकदम मेरा। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का टोनर। ये गुड वाइब्स का टोनर मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप होम मेड टोनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि वो मेरी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ऑयल। फेशियल सीरम है ये, जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सीरम से भी हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। हमारा जो मेकअप होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है इससे। साथ ही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर लैक्मे का सन एक्सपर्ट। ये देखिए, इस तरह से मैं सन एक्सपर्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। सन एक्सपर्ट भी हमें अप्लाई करना ही चाहिए, अदरवाइज हमें सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सन प्रोटेक्शन यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, देख सकते हैं आप। अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद में थोड़ी सी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप चाहे तो लिप बम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वैसलिन अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब तक मैं मेकअप कंप्लीट करूँ तब तक मेरे लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाए। उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर ऑनलाइन मंगवाया था, ये मैं अप्लाई करूँगी डॉट डॉट के फॉर्म में। फ्रेंड्स, जो प्राइमर होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पोर्स होते हैं उनको वो मिनिमाइज़ कर देते हैं, जिससे हमारा जो मेकअप वगैरह होता है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाता है, वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है हमारी स्किन और मेकअप के बीच में। तो मेकअप लगाने से पहले हमें प्राइमर अप्लाई करना ही चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर डेजलर कंपनी का ये फाउंडेशन है मेरे पास, लिक्विड फाउंडेशन, वो अप्लाई करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डॉट डॉट बना करके। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरे फेस पर डॉट डॉट बना लूँगी और उसे फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हम फेस पर अप्लाई करते हैं उसे हमारी नेक पर भी हमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं फाउंडेशन को नेक पर भी अप्लाई करूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। तो ये मेरे पास पैलेट था, कॉम्बिनेशन पैलेट है ये, इसमें ब्लशर्स भी हैं, आई शेडो भी है, और साथ ही साथ दो तरह के कॉम्पैक्ट भी हैं। तो इसी पैलेट में से मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। इस तरह से मैंने पूरे फेस पर, नेक पर और ईयर्स पर पूरा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है, और उसे एक दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे सेट कर लूँगी थोड़ा सा डैप डैप करके। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्रॉ पैलेट। ब्रॉ पैलेट में से मैंने एक शेड चूज़ करके अपनी ब्रॉस को मैं फिल करूँगी इस तरह से। उसके साथ आपको एप्लीकेटर भी मिलता है, तो ये जो एप्लीकेटर होता है इससे बहुत ही अच्छे से आप अपनी ब्रॉस को फिल कर सकते हैं। और साथ में उसके पीछे एक स्पूली होता है जिसके हेल्प से आप उसे कॉम भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रॉस को कम्प्लीटली फिल कर लिया है, और उसके बाद मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ सेम पैलेट से जिससे मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया था। उसी पैलेट से मैंने ब्लश अप्लाई किया है चिक्स पर, और उसके बाद में आई शेडो सेम पैलेट से, आई शेडो का जो लाइट पिंक कलर का शेड है जो कि मेरे टॉप का कलर है, उससे थोड़ा सा डार्क मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, अपनी क्रीज लाइन बिल्डअप कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था ये ब्लू हेवन का काजल। ये काजल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है,
स्मर्ज नहीं करता है। और सेम पैलेट से मैंने छोटा सा एक ब्रश लिया और उसकी हेल्प से मैं अपनी आई शेडो का जो कलर है वही कलर मैं अपनी नीचे लोअर लाइन जहाँ पर हम लोग काजल लगाते हैं उसके नीचे भी थोड़ा सा स्मर्ज कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लगा लिया था यहाँ पर लाइनर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक मैंने क्लीन नैपकिन लिया जिसकी हेल्प से मैंने एक्स्ट्रा जो वैसलीन लगी हुई थी मेरे लिप्स पर उसको मैंने क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं डेजलर का मेरा ये आउटलाइनर है इसकी हेल्प से मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर लूँगी मेरे लिप्स पर। फ्रेंड्स आउटलाइन जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे हमारे लिप्स का जो शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखता है। और उसके बाद मैंने डेजलर कंपनी की लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली थी। और उसके बाद ये मेरे पास पैलेट है एक जिसमें से मैं ये जो हाइलाइटर होते हैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक्स पर। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फोरहेड पर जहाँ पर भी हमें हाईलाइट करना है अपने एरियाज़ को। तो मैंने चिक्स पर किया फोरहेड पर किया उसके बाद मैं नोज़ पर करूँगी और साथ ही साथ लिप्स के अपर पोर्शन में इस तरह से मैंने हाइलाइटिंग कर ली थी फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अपने चिन पर भी हाईलाइट किया था इसे। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपने रिंग फिंगर में थोड़ा सा हाइलाइटर और अपने जो आईज़ होते हैं उनके कॉर्नर पर साथ ही साथ जो ब्रॉ बोन्स होती हैं उसके भी कॉर्नर्स पर मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया था। ये देख सकते हैं आप इससे हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखता है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और साथ में नोज़ ऑफ जो ब्रिज होती है हमारी उस पर भी मैं फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लास्ट में मेकअप सेटिंग स्प्रे एक बार और अप्लाई किया था जिससे कि मेरा जो पूरा मेकअप है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली लॉक हो जाए। और साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा कम्प्लीट फाइनल लुक। स्वाति भामरा मैम ने जिस तरह से हेयर स्टाइल किया था वैसे मैंने भी हेयर स्टाइल कर लिया है और ये लुक मेरा यहाँ पर कम्प्लीट होता है स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। पर आप लोगों ने एक बात और नोटिस की थी यहाँ पर मैंने इस लेस के साथ बड़ा वाला मंगलसूत्र पहना है क्योंकि फ्रेंड्स ये लुक मैंने रात को क्रिएट किया था। रात में हम लोग मंगलसूत्र उतारते नहीं तो सॉरी फॉर दैट। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय टेक केयर।